दो जगह हमें पता है जहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, थाली अच्छी मिलती है, मच्छी खाने का मन कर रहा है। वाओ, यही तो चाहते थे हम लोग। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोकर्ण। कल रात यहाँ पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था, करीब हम लोग 8:30-9 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँच गए थे। लास्ट का जो 80 किलोमीटर का पैच है वो काफ़ी गंदा है, पूरा रास्ता ख़राब है, घाट सेक्शन है, धूल मिट्टी, सामने से ट्रक आ रहा है उसकी लाइट आँख में जा रही है। ऐसे करते करते यहाँ पे पहुँचते हुए काफ़ी देर हो गया, 8:30-9 बजे पहुँचे, खाना खाया और सीधा जाके सो गए। अगर कोई राइडर्स यहाँ पे आ रहे हैं तो मेक श्योर कि येलापुर से गोकर्ण का जो रास्ता है 80 किलोमीटर का पैच है वो अंधेरे में ना करें। अगर करना है तो आप बेलगांव में ब्रेक ले सकते हो और फिर वहां से सीधा दूसरे दिन सुबह यहां पे आ सकते हो। हां, अगर आपको थोड़ा एडवेंचरस कुछ करना है एज अ राइडर तो आप बिल्कुल ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, सो अच्छा खासा रेस्ट हो गया है और मैं और पुष्कर अभी निकल रहे हैं गोकर्ण एक्सप्लोर करने के लिए। एक दो जगह हमें पता है जहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, थाली अच्छी मिलती है, मच्छी खाने का मन कर रहा है। हाफवे होम्स नाम की एक जगह है जो हमने नेट पे पढ़ी थी, जहाँ पे थाली बहुत अच्छी मिलती है, रिव्यूज काफी अच्छे थे। हाफवे होम्स का जो डिस्क्रिप्शन और रिव्यूज थे वही वहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया था कि यहाँ पे सिर्फ वेज थाली मिलती है। अगर आप हाफवे होम आते हो रिव्यूज देख के तो ये बात समझ लो कि यहाँ पे सिर्फ वेज थाली मिलती है। तो एक बहुत ही लोकल और होमली रेस्टोरेंट हमें मिल गया है जहाँ पे फिश की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। रेस्टोरेंट का नाम और नंबर मैं आपको ब्लॉग में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप गोकर्ण आ रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस रेस्टोरेंट। बहुत ही बेहतरीन सा होम कुक्ड फिश हमने खाया अभी, हमने ट्राई किया था पापलेट थाली और बांगड़ा थाली और प्रॉन्स फ्राई, तीनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा रेस्टोरेंट का जो है वो बेसिक है, लेकिन होमली मील्स जो है वो ऐसे ही होता है। इसका नंबर और ये इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज पूरा दिन रेस्ट करने के बाद अभी गाड़ी बाहर निकाली है और हम लोग जा रहे हैं सनसेट पॉइंट, जो कि 2-2.5 किलोमीटर ही है यहाँ से। एक अच्छा सा व्यू मिलेगा क्योंकि ये एक छोटा हिल है और ये हिल के ऊपर से थोड़ा सा एक टॉप एंगल जैसा सनसेट का व्यू देखने के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। दोपहर में हम लोग उसी रास्ते से गए थे तो थोड़ा बीच में जो गांव वाला पोर्शन है ना उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फुटेज मिल सकता है, इसलिए ये सामने 360 वाला कैमरा भी मैंने लगा के रखा है। तो जैसे ही वहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे तो हम लोग चालू करेंगे वो कैमरा।
दोपहर में फ़िश खाने के बाद हम लोग सो गए थे थोड़ी देर वापस, और आज का जो प्लान था वो रेस्ट करने का ही प्लान था, और थोड़ा गोकर्ण सिटी और सनसेट देखने का प्लान था। सनसेट मैंने बोला था कल कि हम लोग शायद पहुंच पाएंगे सनसेट तक, लेकिन नहीं पहुंच पाए, तो कोई बात नहीं, आज देख लेंगे सनसेट और अच्छी तरीके से देख लेंगे। अभी हम लोग एंटर होने जा रहे हैं गोकर्ण मार्केट। ये सामने आप जो देख रहे हो जो पीले कलर में है वो है गोकर्ण महाबलेश्वर का टेंपल। ये यहाँ से है टेंपल का एंट्रेंस, हमको जाना है राइट में, काफ़ी छोटी छोटी गलियाँ हैं। और ये वाली जो एक यहाँ पे गली है, ऐसे लग रहा था कि किसी के घर का एंट्रेंस है, लेकिन ये रास्ता है वो आप देख लेना। और ये रास्ता जाता है हिल टॉप पे, जहाँ पे जोस्टल भी है। जोस्टल काफ़ी पॉपुलर है गोकर्ण में, और हम लोग भी सोच रहे थे वहीं पे रहने का, लेकिन वहाँ का बुकिंग जो है वो मिलता नहीं है, बहुत ही एडवांस बुकिंग करना पड़ता है वहाँ पे, और ज़्यादा करके फुल रहता है। ये राइट साइड में जोस्टल, हम लोग यहाँ से जाएँगे आगे। हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ से हमको व्यू अच्छा मिलेगा ताकि वहाँ पर जाके रुक पाए। ये सारे हॉस्टल्स इधर राइट साइड में। शायद इसको राइट साइड में कोई स्पॉट मिल गया है। कुछ मत करना, कुछ मत करना, कुछ मत करना, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। वाओ, यही तो चाहते थे हम लोग, यही तो चाहते थे हम लोग। सनसेट राइट साइड में देखेगा, जिस तरीके का स्पॉट सनसेट के लिए हम लोग ढूंढ रहे थे, एकदम परफेक्ट स्पॉट हमको मिल चुका है। पीछे बाइक्स है और सामने हो रहा है सनसेट। एक बहुत ही खूबसूरत इवनिंग और एक बहुत ही बेहतरीन सनसेट देखने के बाद अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं।
और कुछ गांव में काम है, जैसे एटीएम से पैसे निकालना है और पेट्रोल भरवाना है, ये सब काम करके फिर अपने होटल पे वापस जाएंगे। अच्छा, तो आजकल ऑनलाइन पेमेंट हर जगह पे चल जाता है, लेकिन कैश थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए होना ज़रूरी होता है, स्पेशली बाइक राइड्स के लिए। तो वही अभी इंतज़ाम करना है। सो एटीएम का काम हो गया है और पेट्रोल भी फुल कर दिया है। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, अच्छा खासा रेस्ट हो गया, एक ब्यूटीफुल सा सनसेट भी देख लिया और खाना भी अच्छा खाया। ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल डे। और अभी कल थोड़ा सा राइड होगा, फिर कल हम लोग जा रहे हैं याना केव्स, और अगर हो सकता है तो विभूति फॉल्स भी देख के आएंगे, और वापस आते समय मिर्जान फोर्ट, ऐसा प्लान तो बनाया है। अभी क्या एग्जीक्यूट हो पाता है वो देखना पड़ेगा।